यूपी के देवरिया में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र को लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने से यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही बेहद दुखी है। शाही ने कहा कि खेती कोई और करे और फसल कोई और काट ले जाए तो दुख होता है। मैं दुखी नहीं हूँ और बहुत मैंने जिंदगी के उतार और चढ़ाव देखे हैं, ऊंच और नीच देखा है और इसलिए इस वेदना को जज्ब करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आहत तो आप हैं, पार्टी से मन टूटा है आपका? स्वाभाविक है कि खेती कोई और करे और काट कोई और ले जाए तो इसका दुख तो होता ही है। देवरिया के लिए हमने स्वयं शिशु प्रताप शाही जी के लिए पैरवी की थी और कहा था कि शिशु प्रताप शाही जी वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां लोगों का कहना था कि नहीं, वहां तय हुआ है कि आपको चुनाव लड़ाया जाए। हमने कहा शाही जी क्यों नहीं लड़ेंगे, तो उस पर बात हुई कि नहीं, शाही जी नहीं लड़ पाएंगे वहां।